हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि WWE ने इस वीक के रॉ के लिए काफी सारी बड़ी चीजें कंफर्म कर दी है। और आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिरकार हमें नेक्स्ट रॉ में क्या कुछ देखने को मिलने वाला, और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि रोमन रेंस के कैप्टन बनने के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहा। तो वैसे इन सब अपडेट्स में सबसे पहले रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में ही बात कर ले। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल की स्मैकडाउन में हमें ये ऑफिशियली अनाउंस होते हुए दिख गया था कि टीम होगन के जो कैप्टन होने वाले वो कोई और नहीं होंगे, वो होंगे द बिग डॉग रोमन रेंस। इसी के बाद रोमन रेंस ने रिएक्ट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर उन्होंने कहा, बिग डॉग रहने का मतलब है कि तुम हमेशा रेडी रहो बिग फाइट के लिए, और इसी चीज को मैं लाने वाला हूं क्राउन जूल में। यानी कह सकते हैं रोमन रेंस पूरी तरह से रेडी है अपने मैच के लिए, जो कि होने वाला है क्राउन जूल 2019 में। और जो रॉ से जुड़ी अपडेट है, सबसे पहले हम इसी मैच के उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें इस रॉ में पता चलते हुए दिखने वाला। तो जैसे कि आप सबको पता है, टीम होगन के पांचों मेंबर पता चल चुके हैं कि आखिर वो कौन होने वाले हैं, बट टीम फ्लेयर के अभी सिर्फ चार ही मेंबर सामने आए, जो कि रैंडी ऑर्टन, बैरन कॉर्बिन, बॉबी लेस्ली एंड शिंस्के नाकामुरा। और इस वीक के रॉ में हमें ये पता चलते हुए दिखने वाला है कि आखिर कौन होंगे फिफ्थ एंड लास्ट मेंबर ऑफ टीम फ्लेयर, जो कि हमें रिक फ्लेयर ये अनाउंस करते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी है वो है ड्रू मैकेंटायर, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर को एक माइनर इंजरी हुई थी और उसी की वजह से वो दो तीन हफ्ते WWE से बाहर थे। और जब वो ठीक भी हो गए तब भी WWE ने उनका रिटर्न नहीं करवाया, क्योंकि WWE के पास ड्रू मैकेंटायर के लिए कोई अच्छे प्लान्स नहीं थे। बट हो सकता है कि WWE क्राउन जूल के इस मैच में उन्हें ऐड कर दे, जहां पर एक हील की जरूरत भी है टीम फ्लेयर में। और जब रोमन रेंस को सबसे लास्ट में अनाउंस किया गया टीम होगन की तरफ से, इसलिए हो सकता है कि हमें टीम फ्लेयर में भी जो लास्ट मेंबर होंगे वो एक जबरदस्त या फिर तगड़े सुपरस्टार हो ड्रू मैकेंटायर जैसे। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार टीम फ्लेयर के फिफ्थ मेंबर कौन होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज WWE ने अनाउंस कर दी है नेक्स्ट रॉ के लिए, वो है एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जो कि होगा दी ओसी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट एंड उनके कोई एक मिस्ट्री पार्टनर के बीच। अब नेक्स्ट रॉ में स्ट्रीट प्रॉफिट का मैं पहला मैच देखने को मिलने वाला है रॉ में, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि आखिरकार उनके मिस्ट्री पार्टनर कौन होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज जो WWE ने अनाउंस कर दी है इस रॉ के लिए, वो है एक सिंगल्स मैच, जो कि होगा सिंकारा वर्सेस अंड्राडे के बीच। और यहाँ पर सिंकारा हमें काफी समय के बाद अपना रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं WWE में, इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार इस मैच में किसकी जीत होती है। इसके अलावा जो हमें अगली चीज देखने को मिलने वाली है वो ये कि रे मिस्टीरियो हमें लाइव अपीयर होते हुए दिखेंगे। अब रे मिस्टीरियो रॉ में ड्राफ्ट हो चुके हैं, वो तो आप सबको पता ही होगा। अब रे मिस्टीरियो को WWE इतना एडवर्टाइज क्यों करी है, अब इसके पीछे तो सिर्फ एक ही रीजन निकल कर आ रहा है कि उन्हें मिल सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रॉ में सेथ रॉलिंस के साथ, अगर वो पूरी तरह से फिट हो गए, क्योंकि आप सबको पता ही है उनका मैच होने वाला था सेथ रॉलिंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो कि उन्होंने अर्न किया था नंबर वन कंटेंडर मैच जीत कर, बट ब्रॉक लेसनर ने उन पर अटैक कर दिया था उसी रॉ में, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाया था। और आप सबको पता ही है सेथ रॉलिंस ने यह चीज कहा था कि जब भी रे मिस्टीरियो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो रे मिस्टीरियो वो पहले बंदे होंगे जिसे मिलेगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है वो चीज हमें इसी रॉ में देखने को मिले। अब मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में, जो कि WWE ने कंफर्म कर दिया है, वो है सेथ रॉलिंस से रिलेटेड। अब उनका कोई मैच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बताते हुए दिखेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने लास्ट वीक फायरफ्लाई फन हाउस को जला दिया। इसलिए कह सकते हैं या तो इस वीक हमें सेथ रॉलिंस सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोमो कट करते हुए दिखेंगे, या फिर वो रेसल करते हुए दिख सकते हैं रे मिस्टीरियो के साथ एक मैच में। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, द फिंड ब्रे वायट ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में, तो इसके काफी कम चांसेस है कि वो हमें इस रॉ में देखने को मिले, क्योंकि शायद अब वाइल्ड कार्ड रूल खत्म हो चुका है। लेकिन हम सब देख ही रहे कि ब्रॉन स्ट्रोमन भी ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में, बट वो हमें रॉ में देखने को मिल ही रहे हैं टाइसन फ्यूरी के साथ एक सेगमेंट में। और इस वीक के रॉ में भी शायद हमें फिर से उनका एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है टाइसन फ्यूरी के साथ, जो कि अभी WWE ने कंफर्म नहीं किया। बट हाँ, हो सकता है WWE सारी बड़ी चीजें नेक्स्ट रॉ के लिए बचाकर रखना चाहती हो, क्योंकि नेक्स्ट रॉ होने वाला है क्राउन जूल से पहले का रॉ, और इस वीक का स्मैकडाउन भी होने वाला है क्राउन जूल से पहले का एक स्मैकडाउन, क्योंकि स्मैकडाउन या कहे नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन होगा वो हमें क्राउन जूल के दो दिन बाद देखने को मिलेगा। और क्राउन जूल कब हमें देखने को मिलेगा वो तो आप सबको पता ही है, यानी कि 31 अक्टूबर 2019। लेकिन गाइज, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि आप क्राउन जूल के कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।